ना इधर ना उधर सीधे मुद्दे पर नजर। तो क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो खबर आई है नई रेल लाइन को लेकर, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, वैसे तो प्रतिदिन 2.5 करोड़ से अधिक यात्री 13,000 से अधिक ट्रेनों के जरिए 7,000 से ज्यादा स्टेशनों से गुजरकर 68,000 से ज्यादा किलोमीटर का सफर भारत में तय करते हैं। और इन सभी आंकड़ों के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। लेकिन अब भी एक बड़ी आबादी हिंदुस्तान में ऐसी है जिसने ट्रेन को कभी देखा ही नहीं। सुनकर हैरान मत होइएगा, बल्कि एक खबर आप जानिए, अब एक बड़ी आबादी को ट्रेन के दर्शन हो पाएंगे और वो इस पर सफर कर पाएगी। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और एक नई रेल लाइन को मंजूरी देने का काम किया है। तो खबर क्या है, खबर है इंदौर मनमाड़ के बीच रेल लाइन को मंजूर कर लिया गया। 309 किलोमीटर की नई रेल लाइन डाली जाएगी। 6 जिलों से होकर यह नई रेल लाइन गुजरेगी। 30 लाख की आबादी पहली बार ट्रेन देख पाएगी और 2029 तक 18,000 से ज्यादा करोड़ का यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इंदौर मनमाड़ के बीच 309 किलोमीटर की नई लंबी रेल लाइन डाली जाएगी। इसकी घोषणा सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद की गई है। यह रेल लाइन मध्य प्रदेश के 4 और महाराष्ट्र के 2 जिलों से होकर गुजरेगी। 30 लाख की आबादी आजादी के बाद पहली बार अपने इलाके में ट्रेन को देख पाएगी। मध्य प्रदेश के 3 जिले धार, बड़वानी ट्रेन रूट से पूरी तरह से दरअसल कटे हैं। यह रूट आगरा मुंबई नेशनल हाईवे के पैरेलल कुछ दूरी से घुमाकर चलेगा और 18,036 करोड़ खर्च इसमें आएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का टारगेट जो है वो 2029 यानी कि डेडलाइन तय की गई है। इस पर 26 MTPA यानी कि मिलियन टन प्रतिवर्ष की अतिरिक्त माल ढुलाई हो पाएगी और नए प्रोजेक्ट के तहत 30 नए स्टेशन डेवलप किए जाएंगे। नई लाइन की अहम बातों को जान लेते हैं। फायदा कितना होगा, किसे होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ बताते हैं। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन जो लोग आते हैं महाराष्ट्र से, दक्षिण और निमाड़ के लोग, उनके लिए सीधी ट्रेन कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसके अलावा नासिक का प्याज आप जानते हैं फेमस है, अंगूर फेमस है, सीधे उत्पाद इंदौर आ पाएंगे। निमाड़ की मक्का और ज्वार का ट्रांसपोर्टेशन इससे आसान हो जाना है। इंदौर या उज्जैन से मुंबई जाने के लिए 200 किलोमीटर की दूरी कम हो जाने वाली है, ये फायदा होगा। धार, खरगोन, बड़वानी, नासिक, धुले की 30 लाख की आबादी पहली बार ट्रेन से सीधे कनेक्ट हो जाएगी। पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, सीधे मुंबई से जुड़ने के बाद बड़ी कंपनियों को बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना पड़ेगा, ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। इंदौर से मुंबई की सीधी कनेक्टिविटी इस नई लाइन से पहली बार हो रही। अभी तक हालांकि मुंबई के लिए जाना होता था तो सीधा रूट नहीं था, या तो फिर खंडवा जाना होता था या भोपाल से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन अब सीधा हो गया। इंदौर से सनावद ओंकारेश्वर पुरानी लाइन जो थी उसको भी नवीनीकरण होगा और इसके ये बंद पड़ी है। हालांकि अभी केवल पाताल पानी टूरिस्ट ट्रेन ही यहाँ पर चल रही है और पूरा रूट बंद है, लेकिन इस लाइन का सीधा फायदा इंदौर संभाग के 3 बड़े आदिवासी बहुल जिलों को होने वाला है, जिसमें बड़वानी ऐसा जिला है जहाँ से कोई ट्रेन गुजरती नहीं, यहाँ पर कोई लाइन भी नहीं। धार जिले की बात करें तो दाहोद इंदौर रेल लाइन का काम यहाँ पर चल ही रहा है। इसके अलावा छोटा उदयपुर लाइन भी प्रस्तावित हुई थी, लेकिन अब मनमाड़ की नई रेल लाइन धार जिले से होकर जाएगी तो धार जिले में यह तीसरा रेल प्रोजेक्ट कहलाएगा। अभी इन दोनों जिलों में केवल बस या फिर निजी वाहन से एक दूसरे शहर जाने के लिए साधन मौजूद थे। बड़ी आबादी को फायदा होगा। परियोजना के महाराष्ट्र वाले हिस्से की बात कर रहे हैं तो यहां पर काम शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में अब काम शुरू होगा। बीते साल परियोजना के लिए रेल मंत्रालय ने दरअसल सर्वे भी करा लिया था और यह बताया गया कि प्रोजेक्ट से इंदौर, धार, बड़वानी, खरगोन जिले को मध्य प्रदेश में फायदा होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र का धुले और नासिक जिला जो है वो इससे फायदे में आ जाएगा। पीतमपुर से रेल मार्ग से माल ढुलाई आसान हो जाएगी। मांडू और महेश्वर जैसे पर्यटन क्षेत्र जो है उसको बंक लगेंगे, रेल के नक्शे पर आ जाएंगे। निमाड़ के किसानों को अपनी उपज महाराष्ट्र तक पहुंचाने में बहुत आसानी हो जाएगी। अभी इंदौर से मुंबई के बीच रेल मार्ग की दूरी 650 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन मनमाड़ रेलवे लाइन बनने के बाद 100 किलोमीटर ये दूरी घट जाएगी। इससे यात्रियों का समय बचेगा, पैसा बचेगा और रेलवे को भी फायदा होगा। कुल मिलाकर अब इंदौर रेलवे का भी हब बन जाने वाला है और इंदौर से दक्षिण के राज्यों के अलावा महाराष्ट्र के राज्यों की कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। वैसे भी इंदौर जिस तरीके से बूस्टअप कर रहा है, लगातार यहाँ पर नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं और इंदौर स्वच्छता में भी नंबर 1 है और नए नए तमगे और नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो ऐसे में ज़रूरत थी ही इंदौर को कि यहाँ पर रेलवे का एक हब या नेटवर्क तैयार किया जाए, क्योंकि रेल की कनेक्टिविटी इंदौर की जो है वो अभी तक कमजोर मानी जाती थी। लेकिन इस नई रेल परियोजना के बाद इंदौर के विकास को और पंख लग जाने वाले हैं। खास तौर पर अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से बात कर ली जाए या इंडस्ट्रियल नजरिए से बात कर ली जाए तो इसमें बहुत ज्यादा
बदलाव हो जाएगा क्योंकि मुंबई और इंदौर इससे बहुत जल्द कनेक्ट हो जाएगा। और आप समझ लीजिए कि मुंबई तो मुंबई कहलाता है लेकिन इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। तो मिनी मुंबई और मुंबई की सीधी अगर लाइन डल जाती है या इस रेल लाइन के जरिए दोनों की कनेक्टिविटी हो जाती है तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कितना फायदा होने वाला है, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।